सभी का अभिनंदन है, खैर मकदम है, स्वागत है आज की इस सुनहरी शाम में। एक ऐसी शाम जो निश्चित तौर पर गाजियाबाद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। एक ऐसी शाम जो आपको आनंद से ऐसा लबालब कर देगी कि बस आज आप जब घर लौटेंगे तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही ऊष्मा लेकर के लौटेंगे। जी हाँ, ऐसी ऐसी शख्सियतें आज हमारे बीच में आ रही हैं कि बस आनंद आने वाला है। आनंद इसलिए भी आना वाजिब है क्योंकि हिंडन महोत्सव हम सब मना रहे हैं। हिंडन महोत्सव हम मना रहे हैं उत्थान समिति के सौजन्य से, साथ ही साथ उनका सहयोग कर रहा है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और साथ में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। आप सभी के सहयोग से एक बेहतरीन मुहिम हिंडन को लेकर के पुनः विचार विमर्श करने की है और साथ ही साथ पुनर्विवेचन करने की है कि ऐसी क्या स्थितियां दुष्कर हुई कि आज हिंडन जो है इन हालातों में पहुंची है। तो उसके लिए प्रयास किए गए कि विचार संगोष्ठियां हों और साथ ही साथ कुछ ऐसे सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन हों कि जिनके जरिए लोग एक जगह पर एकत्र हो सके, इकट्ठा हो सके। तो इसी के अंतर्गत 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव का आगाज आज सुबह सिटी फॉरेस्ट में किया गया और सिटी फॉरेस्ट में यह आगाज करने के साथ साथ आज हिंदी भवन में अब जो है बेहतरीन आयोजनों की श्रृंखला आरंभ होने जा रही है। इसी कड़ी में जो है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी होंगे लेकिन उनके बाद जो है हम साहित्यिक आयोजनों का भी लुत्फ लेंगे। हम सुनेंगे एक प्यार का नगमा है, यानी एक विराट कवि सम्मेलन, एक ऐसा कवि सम्मेलन जो निश्चित तौर पर आज एक यादगार उत्सव बन जाएगा हम सभी के लिए। संतोष आनंद जी जैसी शख्सियत आज गाजियाबाद शहर में आएंगी और हम सभी को अपने गीतों से आनंदित और प्रफुल्लित करेंगी। पवन सिन्हा जी जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। और देखिए तालियां इसलिए भी पुरजोर बजें कि हमारे बहुत से गणमान्य व्यक्तित्व इस समय हमारे बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हमारे बीच हैं महाकवि आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, अब दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है, तालियां जाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। देखा यूथ को, देखो क्या चमक आई है चेहरे पर बाजुओं के दम की बात कहते ही। बिल्कुल यही जोश, यही जज्बा, यही जुनून और आप सबका यही सहयोग चाहिए। और सुनने वाले आप लोग हैं, असल में कानसेन लोग हैं आप जो सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मुझे आदरणीय दीक्षित दनकोरी साहेब का ये शेर याद आ रहा है कि खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूसो मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। तो ये अदीबों की महफिल है, आप सभी बुद्धिजीवी व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आगाज करते हैं आज की इस शाम का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में हम सर्वप्रथम ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो दीप प्रज्वलन की परंपरा जो हमारी है उसका निर्वहन करने के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन सर जी को, आदरणीय पवन जी को, साथ में आदरणीय मुमताज नसीम जी को, आदरणीय राज कौशिक सर को और आदरणीय सत्येंद्र जी को कि दीप प्रज्वलन के लिए आप सब आए। और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज की इस शाम का आगाज हम सब करें। आदरणीय कृष्णदीप सिरोही जी हमारे बीच सुबह भी उपस्थित थे, सुबह भी हमें उनका आशीर्वाद मिला, उनसे भी आग्रह है कि वो आए। पूर्व विधायक और बहुत ही स्नेहिल व्यक्तित्व हैं, हालांकि उन्हें सुबह बीच में जाना पड़ा। आदरणीय हिमांशु लव जी से मेरा आग्रह है कि वो भी साथ दें दीप प्रज्वलन में अपना। हिमांशु लव जी की सक्रियता भी देखते ही बनती है और साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रति उनकी निष्ठा, उनका समर्पण वाकई काबिले तारीफ है।
तो दीप प्रज्वलन ये वास्तव में एक परंपरा है कि हम जो है अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के उजाले की ओर अग्रसर हो सके। ये एक उम्मीद है कि ईश्वर हमें अज्ञानता से बाहर लेकर के आए, हम में समझ दें, हमें विवेक दें, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो उसी का ख्याल जहन में रखते हुए अभी इस समय यहाँ पर दीप प्रज्वलन का निर्वहन किया जा रहा है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। आदरणीय तारा गुप्ता मैम हमारे बीच आ चुकी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गांधर्व संगीत महाविद्यालय में जिस तरह से उन्होंने संगीत को ऊष्मा दे रखी है, उसकी आत्मा को बचाया हुआ है, वो वाकई कोई विरला ही कर सकता है। तारा गुप्ता मैम आपसे भी आग्रह है कि दीप प्रज्वलन में सहयोग करें प्लीज। बहुत ही उम्दा रचनाकार हैं, बहुत ही स्नेहिल हैं, ममतामयी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और कुछ मेहमानों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ वो आ रहे हैं, 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 ये कहकर हम अपने दिल को बहला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सच में आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं, अभी फ़ोन पर बात भी हो चुकी है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बस आजकल एक तो तामझाम, चूंकि आज का दिन जो है, आज का जो शुक्रवार का दिन है, तो सभी के ऑफिस भी होते हैं, और साथ में इस समय सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है, और कोरोना का जो आतंक मचा है पिछले साल से लेकर और अब तक, उसके डर ने भी बहुत से लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। तो ऐसे डरों से बाहर आना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गणमान्य व्यक्तित्वों का, बहुत बहुत आभार करती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगाज़ हो चुका है आज की इस सुनहरी शाम का, और चूंकि आज की जो शाम है वो आदरणीय संतोष आनंद जी को समर्पित है, एक तरह से एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने हिंदी सिनेमा में गीत परंपरा का ऐसा उज्जवल पक्ष रखा।